अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों की सुबह जैसे सबकी लेट होती है, दिल ही नहीं करता बिस्तर से उठने का। और हमने सोचा था कल, क्योंकि हमने कल पराठे बनाए थे, तो आज फिर मेरी बड़ी बहन की भी सुनी जानी थी तो हमने आज पकौड़े बनाए। कल वो फरमाइश कर रही थी कि पकौड़े खाने का दिल कर रहा है, सर्दियों में वैसे ही पकौड़े बहुत स्वादिष्ट रहते हैं तो हमने सोचा कि आज ही पकौड़े बनाते हैं। पकौड़े का सामान वगैरह ये सारा चीज़ें तो वैसे सेम ही होती है सबकी, लेकिन मामा का है कि एक होते हैं आलू के पकौड़े, एक होते हैं पालक के पकौड़े और एक सिंपल पकौड़े प्याज वाले। तो प्याज जो होती है ना वो कुछ ज़्यादा कच्ची डालते हैं, यानी कि बाद में डालते हैं पेस्ट बनाने के बाद, तो वो ज़रा क्रिस्पी रहती है। और मामा का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप ही मज़ेदार पकौड़ों का उठा सकें। ये मामा के कुछ जादू की पत्तियाँ हैं जो मामा को उठ रही हैं और इन्हीं से ज़्यादा टेस्ट आता है। इसके अलावा जो फ्राइज़ का सामान, ये मेरी सबसे बड़ी बहन की फरमाइश थी। फ्राइज़ वैसे तो आलू के पकौड़े भी बनते हैं, तो पकौड़े वैसे मुझे आलू के पसंद नहीं है इतने, वैसे आलू की चीज़ें काफ़ी पसंद है। और ऐसा है ना कि उसमें जब आलू डल जाते हैं ना तो थोड़ा सा उसका टेस्ट होता है, तब जाता है, लेकिन आज के पकौड़े बहुत ही मज़े के बने थे। शायद कुछ मौसम का भी असर है, वैसे हमें जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं क्योंकि गैस का बहुत इशू चल रहा है पाकिस्तान में। मुझे लगता है हर इलाके में, काफ़ी इलाकों में, लेकिन मेरे काफ़ी इलाकों में नहीं भी है, काफ़ी अच्छी गैस आती है, मोस्टली रेलवे की और खाला वगैरह कहीं भी वहाँ अच्छी गैस आती है। हमारे एरिया में भी पहले जाती नहीं थी, अब चली जाती है। आप बताएं कि आप लोग के एरिए में आ रही है या नहीं आ रही। और बेसन जितना अच्छा घुले ना उतने ही अच्छे पकौड़े बनते हैं। वैसे बेसन का भी अच्छा होना ज़रूरी होता है, अगर क्वालिटी बेसन की नहीं अच्छी तो वो पकौड़े भी अच्छे नहीं बनते। आगे इस चैनल पे ब्लॉग भी डालने की कोशिश करेंगे, अगर जैसे मामा के उसमें फिर प्रॉपर रेसिपीज़ और क्वांटिटी के साथ वगैरह और बाकी भी चीज़ें। वैसे आपने नोट किया कभी कि रमज़ान के पकौड़े जो होते हैं उसमें अलग ही टेस्ट होता है, हालांकि सबने रमज़ान रोज़े रखे होते हैं, टेस्ट कर भी नहीं सकते हैं। अभी तो हम नमक वगैरह चेक कर लेते हैं, जैसे आज भी मामा ने नमक वगैरह चेक किया, लेकिन रमज़ान में एक अलग ही टेस्ट होता है पकौड़ों का। जैसे पकौड़े जो होते हैं वो दस्तरखान की रौनक भी होते हैं और टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होता है। मैं आपको ये तो बताने भूल गई कि आज की वीडियो मैंने शुरू की है क्योंकि मैं इस काम से बाहर गई थी, और उसके बाद मामा ने भी थोड़ी शूट की एंड पे, मैं बताऊँगी आगे जाके वीडियो में। ये हम चेक कर रहे थे कि वैसे ये ऑयल हम चेक कर रहे थे क्योंकि इसमें हमने बनाई थी फ़िश, और फ़िश का ऑयल आप लोग को पता होगा कि यूज़ हो किसी भी चीज़ में तो वो फ़िश की स्मेल आती है, लेकिन ये टोटका है बड़ा ही ज़बरदस्त कि इसमें लहसुन अगर हम जला दें ना ऑयल को गर्म करके उसमें लहसुन डाल दें तो वो जो है ना फ़िश का उसका टेस्ट जो है ख़त्म हो जाता है, और किसी कोई भी चीज़ उसमें डाले के बनाए तो हम चेक कर रहे थे। मैं मना करी थी मामा को, मामा इसमें नहीं बनाना, इसमें टेस्ट आएगा ये वो, तो मामा ने भी बताया कि नहीं ऐसे करो करो करो, मामा ने करवाया। मैंने फिर उसमें थोड़ी सी फ्राइज आप ही ने डाल के चेक की कि वाकई टेस्ट आ रहा है या नहीं, और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया, हालाँकि इसमें फ्राई हुई थी फ़िश। और ये पकौड़े में फ्राई कर रही थी और साथ नीचे जो है टेंट पे दिया था, तो वहाँ से उन्होंने रोटी बनानी थी तो हमने ऊपर ही आके बनाने, वैसे तो किचन अलग अलग है, तो रोटी बना रही थी साथ। और आप भी वैसे कभी ट्राई करिएगा कि फ़िश का जैसे ऑयल हो ना तो उसमें फ्राइज़ वगैरह अगर कभी बनानी हो, तो मैंने आज ये एक्सपीरियंस किया, तो वाकई ऐसा होता है। प्लेट और फिर मेरा ऐसे ही अगर पकौड़े बने तो पकौड़े एक तीर से दो शिकार। वैसे हाथ से पकौड़े डालने का अपना ही स्वाद है, लेकिन मैं अभी ठंड थी ना बहुत, तो बार बार हाथ धोने पर मेरे तो मैं चम्मच से ही डाल लिया। और मामा वैसे कह रही थी कि मैं हाथ से डाल, मैंने कहा मामा आपको खड़ा होना पड़ेगा, तो फिर मामा थक गई थी काफ़ी कल का भी और आज का भी, तो फिर हमने कहा नहीं रहने दें ऐसे सही है। वैसे काफ़ी लोगों को ना पकौड़े मोटे मोटे होते हैं, हमें थोड़े पतले और क्रिस्पी पसंद है, तो इसे छोटे छोटे पकौड़े बनाए हैं। अब ये बनने लगे, मामा स्टार्ट करने लगे वीडियो, मामा ने पकड़ाया कैमरा तो मैं मामा को कहती हूँ मामा मेरे से नहीं हो रहा तो आप ये थोड़ा सा पीछे से पकड़ के रखें, तो मामा का एंगल देखें आप। और ये मैं बेसन वाला नान बनाने लगी हूँ, बेसन वाला नान मुझे डालना नहीं आ रहा था, मैंने मामा को कहा कि मामा मैं लगा देती हूँ
और ना इसको आपने डालना है, तो मेरे से नहीं डालना आ रहा था, तो मामा ने फिर डाला है। अभी ये मतलब नान वैसे घर पर बनाने का फ़ायदा ही है, क्योंकि एक तो सफाई से बना होता है, वाइट का तो ऑयल वगैरह भी सारा ऐसे ही होता है, वो भी हाथों से लगा रहे होते हैं, वो पता नहीं कैसे कैसे हाथ होते हैं बाहर, लेकिन उसके भी अपना ही जायका होता है। कहते हैं ना वो हमारी देश की मिट्टी में जायका। बेसन वाला नान वाकई बहुत मज़े का बना था, हमने थोड़ा बनाया था कि खाया नहीं जाएगा रात के टाइम इतना, लेकिन मज़े का था, टेस्टी बना था। आप भी ट्राई करके बताएगा कैसा बनता है बेसन का नान घर पे। अगर किसी को प्रॉपर रेसिपी चाहिए मम्मा की तो बताएगा ज़रूर, मैं प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी बनाने के साथ, क्वांटिटी के साथ प्रॉपर। ओके, फिर आज की वीडियो का एंड होता है यहीं पे। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा और ठंड से बच के रहें, और अल्लाह हाफिज़। चीज़ें खाएँ और दूसरों को भी खिलाएँ।